अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपरेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट, जो कि एमडी कैट क्लास से देखना है। दो टर्म्स हमने पहले पढ़ ली थी जिसका नाम है सिंप्लास और एपोप्लास। आज के टॉपिक के अंदर जिन टर्म्स के बारे में हमने डिस्कस करना है, एक है नाम कोहेसन, टेंशन और एडहेसन, सिलेबस का पार्ट है, और एक और टर्म है जिसका नाम है ट्रांसपरेशन पुल, वो भी इसी के अंदर हम इसको शामिल करके देखेंगे। अब ये जो तीनों की तीनों टर्म्स हैं, ये बेसिकली एक थ्योरी के अंदर बताई गई, एक्सप्लेन किया गया, उसका नाम है कोहेसन टेंशन थ्योरी, या दूसरा इसका नाम है टैक्ट थ्योरी। टी का मतलब होता है ट्रांसपरेशन पुल, ए का मतलब एडहेसन, सी का मतलब कोहेसन और टी का मतलब टेंशन। ये चार टर्म्स हैं, ट्रांसपरेशन पुल और ए का नाम एडहेसन, कोहेसन और टेंशन। बेसिकली इस थ्योरी को जिस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया, उस साइंटिस्ट का नाम है टैक्सन। इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने वाला, इन टर्म्स को एक्सप्लेन करने वाला प्लांट्स के अंदर, उस साइंटिस्ट का नाम है टैक्सन। बेसिकली है क्या चीज ये थ्योरी में हमने बताना क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है और ये इस प्लांट के लीव्स हैं। सारा का सारा जो वाटर है जो कि सोइल से रूट्स के अंदर आ चुका है, जो मैं पहले बता भी चुका हूं अपने पहले लेक्चर के अंदर, सिंप्लास और एपोप्लास के अंदर, जब वाटर सारा का सारा रूट्स के अंदर आ चुका है, आने के बाद ये वाटर अब ऊपर की तरफ पुल करता है, ऊपर की तरफ मूव करता है। ये पानी जो ऊपर की तरफ मूव करता है, ये जिस जिस थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन किया गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरी है, जो कि हम आज सबसे पहले थ्योरी देखेंगे कैसे वाटर नीचे से ऊपर जाता है, उसका नाम कोहेसन टेंशन थ्योरी है, और उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो प्रोसेस भी इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैंने बता दिया कि तीन टर्म्स हम इसके अंदर देखेंगे, एक कोहेसन, टेंशन और एडहेसन है। तो रूट से अपवर्ड वाटर का मूव करना, ये आज हमने एक्सप्लेन करना है। जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल डे टाइम देखा जाए, दिन के वक्त डे टाइम, पहली टर्म एक्सप्लेन करने लगा हूं, गौर कीजिएगा कैसे मैं उस टर्म को एक्सप्लेन करके मैं यहां तक पहुंचता हूं। डे टाइम प्लांट्स मोर अब्सॉर्ब करते हैं लाइट को, मोर अब्सॉर्ब करते हैं लाइट को, और जब लाइट को ज्यादा अब्सॉर्ब करते हैं तो उन प्लांट्स के अंदर राइज हो जाता है, बढ़ जाता है टेम्परेचर, तो वो प्लांट्स के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है उस पार्ट के ऊपर, लीफ के ऊपर ज्यादा, क्योंकि लीव्स है ना अपर एरिया, एरियल पार्ट्स के ऊपर, तो लीव्स के अंदर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से ट्रांसपरेशन स्टार्ट हो जाती है। ट्रांसपरेशन कहां से होती है, फ्रॉम लीव्स, पत्तों से पानी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। डे टाइम ज्यादा लाइट के अब्सॉर्प्शन से टेम्परेचर ज्यादा हुआ, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ट्रांसपरेशन स्टार्ट हो जाती है पत्तों से, जब पत्तों से ट्रांसपरेशन स्टार्ट हो जाती है तो पत्तों के अंदर पानी की कमी आ जाती है, जिस वजह से डिक्रीज हो जाता है लीव्स के अंदर वाटर पोटेंशियल, कम हो जाता है। किसके अंदर, पत्तों के सेल के अंदर, जिनका नाम है मीजोफिल सेल। तो मीजोफिल सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ड्यू टू लोअर अमाउंट ऑफ वाटर, पानी की कमी की वजह से वहां पे वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो चुका है। जब वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, जिस वजह से ऑस्मोसिस होती है वाटर की, पत्तों के अंदर पानी की कमी आ गई, तो फिर क्या होगा, ऑस्मोसिस ऑफ वाटर फ्रॉम जाइलम, टू मीजोफिल सेल। तो मीजोफिल सेल के अंदर वाटर ऑस्मोसिस के जरिए से मूव करके जाना शुरू कर देते हैं। अब जाइलम पत्तों से लेकर रूट्स तक कॉमन होती है, मतलब यहां से लेकर यहां तक एक ही जाइलम की ट्यूब है जो कि ऊपर तक पत्तों तक जा रही है। जब जाइलम के अंदर से पानी जब मीजोफिल सेल के पास जाता है तो जितना भी वाटर होता है रूट्स के अंदर, वो सारा का सारा ऊपर की तरफ खींचा जाना शुरू कर देता है। क्योंकि वाटर जो उनसे पत्तों के पास कम हो चुके हैं, जिस वजह से वो पुल बनता है, और उस पुल को नाम देते हैं ट्रांसपरेशन पुल है। तो ऐसे मैं बता रहा हूं कि ऑस्मोसिस जो कि वाटर को मूव कराता है जाइलम से मीजोफिल सेल के अंदर, तो जाइलम के अंदर देखा जाए जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, और जो कंबाइन करने वाला बॉन्ड होता है उसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसके बाद लास्ट में क्या होगा, जब वाटर मूव करेगा जाइलम से पत्तों के पास, पत्तों के मेसोफिल सेल के साथ,
तो वहां पे क्या क्रिएट होता है, क्रिएट ऑफ ट्रांसपायरेशन पुल, इसको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड ट्रांसपायरेशन पुल। तो ट्रांसपायरेशन की वजह से जो पानी को ऊपर की तरफ खींचना है उसको हम नाम देते हैं दे आर कॉल्ड ट्रांसपायरेशन पुल, जिसको हम नाम देते हैं पुलिंग ऑफ वाटर। तो जो पुलिंग ऑफ वाटर है, पुलिंग ऑफ वाटर पानी को ऊपर की तरफ पुल करना, उसकी सबसे बड़ी रीजन है ट्रांसपायरेशन। मगर ट्रांसपायरेशन कैसे होती है वो भी मैंने आपको बताई, जब लाइट ज्यादा अब्सॉर्ब होगी, ज्यादा टेम्परेचर होने से ट्रांसपायरेशन होगी, फिर वाटर पोटेंशियल लो हो जाएगा पत्तों के म्यूसिफिल सेल का, फिर जाइलम से वाटर मूव करेगा ऑस्मोसिस के जरिए से म्यूसिफिल सेल के अंदर, और जाइलम के अंदर सारे वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए कंबाइन हो तो सारा का सारा वाटर नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा, अपवर्ड मूव करेगा, क्योंकि वहां पर कमी आ चुकी है। तो वो जो खिंचाव है दे आर कॉल्ड ट्रांसपायरेशन पुल, जिसको हम कहते हैं पुलिंग ऑफ वाटर। अब जब पानी नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो आपको तीन चीजें नजर आएंगी, एक कोहिसन, एक टेंशन और एक एडहीसन। कोहिसन क्या होता है, व्हाट इज अ कोहिसन, हम कोहिसन किसको कहते हैं, कोहिसन बेसिकली क्या है, अट्रैक्शन, ये एक अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स, अमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड। एक जैसे मॉलिक्यूल्स के अंदर जो अट्रैक्शन होती है हम उस अट्रैक्शन को नाम दे देते हैं दे आर कॉल्ड कोहिसन। तो जो अट्रैक्शन आपको नजर आती है किसके दरमियान, एक जैसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान, हम उसको नाम देते हैं दे आर कॉल्ड कोहिसन। अब यहां पे हम किस मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स के दरमियान हम अट्रैक्शन पैदा करेंगे, वो आपको पता है, मैं वाटर के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि वाटर को ऊपर लेके जा रहा हूं तो मैं उसको इस लिहाज से बात किसकी कर रहा हूं, वाटर मॉलिक्यूल्स की कर रहा हूं। तो यहां पे जो कोहिसन, इसका काम क्या होगा, इसका काम एक ही है, होल्ड टूगेदर वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स को एक जगह पर होल्ड करके रखना, आपस में इकट्ठा करके रखना, यही बुनियादी काम होता है किसका, कोहिसन का। और वो आपको पता है वो होल्ड क्यों हो जाते हैं, उसकी रीजन क्या है, वो आपको पता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के साथ होल्ड करना है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये एक दूसरे के साथ होल्ड करके रहते हैं। इसी तरह जब कोहिसन है, कोहिसन से होगा क्या, कोहिसन का सबसे बड़ा काम यही है कि ये फॉर्म करता है, फॉर्मिंग अ सॉलिड चेन लाइक कॉलम। तो ये सॉलिड चेन लाइक कॉलम को क्रिएट करता है, सॉलिड चेन लाइक कॉलम को क्रिएट करता है ताकि वाटर ऊपर जा सके। तो सॉलिड जो चेन कॉलम है, फॉर्मिंग अ सॉलिड चेन कॉलम विद इन द जाइलम ट्यूब। तो जाइलम ट्यूब के अंदर जो एक चेन लाइक कॉलम आपको नजर आता है जो कि कोहिसन बनाती है, ये आपको नजर आता है किसके अंदर, जाइलम ट्यूब के अंदर। तो इस तरह से आपको वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ चेन की फॉर्म में आपको नजर आते हैं जो कि होल्ड टुगेदर होते हैं। तो इस तरह से जाइलम ट्यूब के अंदर अगर आपको इस तरह से चेन की कॉलम नजर आती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, तो हम इसको नाम देते हैं दे आर कॉल्ड कोहिसन है। अब आ जाते हैं टेंशन की, टेंशन का मतलब खिंचाव, जो खिंचाव और वाटर के मॉलिक्यूल्स का ऊपर की तरफ, हम इसको नाम देते हैं दे आर कॉल्ड टेंशन। अब बेसिकली खिंचाव कैसे पैदा होता है, खिंचाव पैदा होता है जो इसको फोर्स देती है उसका नाम है ट्रांसपायरेशन। जो खिंचाव वाटर का ऊपर की तरफ, तो वो जो खिंचाव देता है, वो जो फोर्स देती है वो ट्रांसपायरेशन। और वो फोर्स बनती कैसे है, कैसे वो फोर्स बनती है कि वो नीचे से ऊपर वाटर को खींच लेती है, ये उस वक्त बनती है जब वाटर ऊपर की तरफ पुल हो रहा होता है ड्यू टू द पुल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के पुल होने से ये खिंचाव पैदा होता है। मगर वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे पुल होंगे, जब ट्रांसपायरेशन होगी, तो ट्रांसपायरेशन की वजह से जो फोर्स क्रिएट होती है, जो खिंचाव बनता है, दे आर कॉल्ड टेंशन। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने यह याद रखनी है, टेंशन जोन होता है ये वाटर को पुल कर सकता है 200 मीटर अबव हाइट के ऊपर, ठीक है, कैन पुल ऑफ वाटर, कैन वाटर पुल अप टू 200 मीटर।
200 मीटर ऊपर अगर वाटर का खिंचाव अगर कोई प्रोड्यूस करता है तो उसका नाम है ट्रांसपायरेशन पुल, और इस खिंचाव को नाम देते हैं दे आर कॉल्ड टेंशन। ठीक हो गया। तो वो जो खिंचाव पैदा होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स का, जो कि ट्रांसपायरेशन की वजह से है, एक कोलम की शक्ल में जो ऊपर जाना होता है दे आर कॉल्ड टेंशन है। अब वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरह से ऊपर नहीं जाते, वो इस वॉल के साथ चिपक चिपक के जाते हैं। अब ये जो प्लांट्स की जाइलम की वॉल है, प्लांट्स के अंदर जो जाइलम है, इसकी जो वॉल है, आपको पता है इसको कहते हैं, ये है जाइलम। तो ये आपको पता है जाइलम सेल वॉल होगी। ठीक हो गया। और जाइलम सेल वॉल के अंदर आपने याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट जो केमिकल है उसका नाम है सेलुलोस, और दूसरे का नाम है लिग्निन। लिग्निन आपने याद रखना है, लिग्निन का जहां भी जिक्र आ जाए, तो लिग्निन एक ऐसा केमिकल है जो कि किसी भी चीज को स्ट्रोंग बनाता है। तो इसका काम है स्ट्रोंग बनाना, जाइलम सेल वॉल को या जाइलम ट्यूब को जो स्ट्रोंग बनाते हैं उसका नाम है लिग्निन। अब सेलुलोज का बहुत ज्यादा रोल होता है जो हम देखते हैं एडहीसन के अंदर। अब एडहीसन क्या है, व्हाट इज एडहीसन? एडहीसन होता है अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ, ये था सेम काइंड, ये होता है डिफरेंट काइंड। डिफरेंट काइंड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अगर अट्रैक्शन होता है हम उसको नाम देते हैं दे आर कॉल्ड अडहीसन। अडहीसन को बेसिकली हम दूसरा नाम भी दे देते हैं, ये स्टिकिंग पावर है, चिपकने वाली जो पावर होती है उसको कहते हैं दे आर कॉल्ड अडहीसन। अब जो जाइलम है, जाइलम, इस जाइलम के साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स एडहेयर करके चिपक कर ऊपर की तरफ मूव करते हैं। अब इसके साथ एडहेयर कैसे हो जाते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जाइलम के सेल वॉल के अंदर एक ऐसा केमिकल है जिसके साथ बड़ी अफिनिटी है वाटर के मॉलिक्यूल्स की, उसका नाम है सेलुलोज। तो यहां पे मैं लिखूंगा वाटर मॉलिक्यूल्स, याद रखिएगा वाटर मॉलिक्यूल्स एडहेयर टू द जाइलम सेल वॉल। अब जाइलम सेल वॉल के साथ अडहेयर होने की सबसे बड़ी रीजन क्या है, क्या वजह है कि ये अडहेयर हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल जाइलम के साथ? इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है, सेलुलोज हैज ग्रेट अफिनिटी, इसकी ग्रेट अफिनिटी होती है, काफी ज्यादा अफिनिटी होती है किसके साथ? विद वाटर मॉलिक्यूल्स। तो पानी के मॉलिक्यूल के साथ काफी ज्यादा अफिनिटी की वजह से ये इसके साथ अडहेयर करके ऊपर की तरफ मूव करता है। इस तरह से वाटर ऊपर मूव करता है कोहिसन, जैसे मैंने बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द सेम मॉलिक्यूल्स, उसके बाद जो फोर्स ऑफ तनाव आता है दे आर कॉल्ड टेंशन, और उसकी दीवार के साथ चिपक के जाना, मगर ये सारे के सारे उस वक्त आता है जब पानी को ऊपर की तरफ खींचा जाता है, मगर ऊपर की तरफ कब खींचा जाता है? जब ट्रांसपायरेशन होती है। तो ये चार टर्म्स हैं जो कि एमडी कैट के अंदर सिलेबस का पार्ट है, दे आर कॉल्ड टेंशन, एडहीसन, कोहिसन, और एक का नाम क्या, ट्रांसपायरेशन पुल है।